हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन की एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक। ओके, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा और एक जगह प्रॉपर नोट करते चलिए। एग्जाम में ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। अगर ये सारी ट्रिकें आपको पता हो, थोड़े बहुत कुछ कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको इंटीग्रेशन कुछ कठिन नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर थ्री। ट्रिक नंबर वन और टू के लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं जाके। तो आइए ट्रिक नंबर थ्री को समझते हैं। पहले तो इसके टाइप समझ लेते हैं, फिर इस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे टाइप वन, फिर इसी में आगे देखेंगे टाइप टू। तो टाइप वन में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान समझना। टाइप वन में आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे समझना। आपको इंटीग्रेशन दिया जाएगा, इंटीग्रेशन करना होगा आपको। आपको दिया एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट में एफ एक्स, यानी क्वेश्चन का ये टाइप क्या है कि इंटीग्रेशन अपॉन में आपको अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन दिया जाए, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अगर मिल जाए, तो इसका इंटीग्रेशन 1 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो आप कैसे लिखोगे समझना, आप इसका आंसर क्या दोगे, टू अंडर रूट एफ एक्स, टू अंडर रूट एफ एक्स। ओके, और प्लस का सी आप जरूर जोड़ोगे, प्लस सी आप जरूर जोड़ोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर देखते ही आप आंसर टिक करके आओगे, अगर ये सब आपको पता है, ठीक। इस पर बेस क्वेश्चन क्या बनेंगे तो समझना। पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपको इंटीग्रेशन करना है। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आपको दिया है टेन इनवर्स एक्स और डीएक्स। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, आपको दिया है साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस, आपको दिया गया है वन अपॉन एक्स अंडर रूट में लॉग एक्स और डीएक्स। ओके, देखो ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मेट पे आधारित है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए डायरेक्ट। देखो अंडर रूट में जो फंक्शन यहाँ पे दिया है, अंडर रूट में क्या फंक्शन दिया है यहाँ, टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ठीक है, अगर ये आपको पता है तो देखो आप आंसर देखते ही टिक करोगे। यहाँ पे देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस सी। यहाँ पे देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस सी, आप जरूर जोड़ना याद रखना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन इस पे बेस और देखते हैं, फिर इसका टाइप टू देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन इस टाइप से है, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, मान लो टू एक्स माइनस का थ्री दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस का फाइव और डीएक्स। ये जो नीचे दिया आपको अंडर रूट के अंदर दिया, तो देखो अंडर रूट में जो फंक्शन दिया है, पहले तो आप चेक कर लो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल तो नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स माइनस थ्री एक्स का थ्री हो जाएगा, और पांच कॉन्स्टेंट का जीरो होता है आप जानते हो, तो इसका ये डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो भी अंडर रूट के अंदर दिया वो एफ एक्स का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका टू अंडर रूट एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव और प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है टाइप वन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप टू इसी में आगे। तो आइए देखते हैं टाइप टू। टाइप टू में आपके क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, ध्यान देखना टाइप टू, ठीक है। तो टाइप टू में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चेंज है, आपको ऊपर एफ डैश एक्स एस एम दिया जाएगा, बस नीचे आपको अंडर रूट हटा लिया जाएगा एफ एक्स और डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये आपको पता है तो आप कैसे लिखोगे इसका इंटीग्रेशन, आपको इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं लिखना, बस आपको लॉग एफ एक्स देना है, क्या देना है, लॉग एफ एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स का अगर ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इंटीग्रेशन करना है, तो सीधे सीधे लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स, ठीक। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, आपको दिया जा रहा, मान लो आपको दिया है टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव डी एक्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको दिया जा रहा है मान यहाँ पे टू एक्स माइनस का प्लस का सिक्स मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस का एट, ठीक, डी एक्स, ठीक है। सेम है, कुछ भी बना सकते हो, आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन मिला, एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस सिक्स एक्स का सिक्स प्लस फाइव कॉन्स्टेंट का जीरो, इसी पैटर्न पे है, इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स, एफ एक्स हम इसको समझ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस सी, समझ आ गया होगा उम्मीद है। यहाँ पे भी सेम है, आंसर क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स, एफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट प्लस सी, आप जरूर जोड़ो, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
आज की ट्रिक आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। और पहली दूसरी ट्रिक आप जरूर देखना, जाके इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करके बताएं, और ऐसी ही मजेदार ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू, जय।